हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं अभी थोड़ी अच्छी हूँ। तो आप लोगों को भी पता होगा संडे है और आज मेरा ऑफिस छुट्टी है, तो मैं सोचा कि आज थोड़ा मेरा प्लान था थोड़ा बाहर जाने का, थोड़ा मतलब मूड फ्रेश करने का। वैसे ही ऑफिस घर करके मेरा वैसे ही मतलब मूड पूरा मतलब फेड अप हो चुकी हूँ। काम, ऑफिस और वैसे भी तबीयत ख़राब से तो वैसे ही मूड पूरा बैंड बजा हुआ है। तो मैं सोचा चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, थोड़ा बाहर मतलब वैसे मेरा प्लान था आज मूवी देखने जाने का। तो मुझे कल से मैं टिकट बुक कर रही थी, वो RR मूवी जो आया हुआ है, जो नया साउथ एक्टर्स का है और आलिया भट्ट का एक कैमो रोल में शायद सुनने में आ रहा है, रेटिंग बहुत अच्छा जा रहा है। तो मैं सोचा चलो वही देख आते हैं। तो मैं टिकट देख रही थी बुकिंग के लिए, तो हाउसफुल जा रहा है। और यही नहीं कि मैं लास्ट वीक भी देख रही थी कि वो कश्मीर फाइल्स भी अभी सुनने में आ रहा, बहुत ही अच्छा जा रहा है वो, मतलब रियलिस्टिक मूवी है। तो उसका ही मैं लास्ट वीक चेक कर रही थी टिकट के लिए, तो वो भी हाउसफुल जा रहा था। क्या बताऊँ, ऐसे बैड लक जा रहा आज अभी मेरा, मतलब क्या ही बताया आप लोगों को। तो खैर कोई नहीं, अब तो मूवी टिकट मिला नहीं तो मैं सोचा चलो आज कुछ तब घर पर ही कुछ कर लेते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बने रहिए। मैं बताती हूँ मैं वीडियो आज घर पे ही क्या शूट करने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो घरेलू नुस्खे से ही रिलेटेड है। और वैसे तो डॉक्टर ने मुझे बाहर का खाना वैसे खाने मतलब बाहर का खाना स्ट्रिक्टली मना किया है, तो मैं ऑनलाइन कुछ न्यूली जो लॉन्च हुआ है वो भी मैं ऑर्डर करके मतलब मंगा नहीं सकती, क्योंकि मैं मंगा तो सकती हूँ बट मैं उसे ट्राई करके मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊँगी कि वो कैसा है कैसा नहीं है, तो मैंने उसे अवॉइड करना ही ज़रूरी समझा। तो मैं सोचा चलो आज मैं कुछ पर्सनल में कुछ जो मैं यूज़ करती हूँ उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ आज मैं अपना साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है अभी समर मतलब गर्मी का मतलब सीज़न मतलब स्टार्ट हो गया, बहुत ही भयंकर वाला गर्मी है। और वैसे बाहर मतलब वैसे तो मैं अभी बाहर मतलब जाती हूँ, वैसे मतलब धूप से चेहरा वैसे ही टैन हो जाता है, जिसके वजह से मतलब चेहरा पे पूरा मतलब धूप की वजह से पूरा मतलब टैन के वजह से पूरा मतलब टैन मतलब ब्लैक मतलब चेहरा पूरा ब्लैक जैसा मतलब चेहरा होने लगता है। तो मैं उसे वीक में एक बार मैं चारकोल जो मतलब पील ऑफ होता है, मतलब पील ऑफ तो मैं मतलब एवर यूथ का यूज़ करती हूँ, मतलब कुछ ज़्यादा ही टैन होने लगता है स्किन, तो मैं वो चारकोल में यूज़ करती हूँ जो कि वो टैन को बहुत इजीली मतलब डीप क्लीन करता है। तो ये आप लोगों को मैं ऑलिव का चारकोल मास्क, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ऑलिव का चारकोल मास्क ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, मैं इसे लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो आज मैं इसे ही यूज़ करके दिखाने वाली हूँ कैसे ये कैसा काम करता है। तो वीडियो में बने रहिए, मैं इसे आप लोगों को बहुत ही इजी स्टेप बहुत ही आसान है मतलब इंस्टेंट ये मतलब अभी मैं मतलब लाइव में इसे करके ही दिखाती हूँ। मैं अभी बता दूंगी तो आप लोगों को शायद समझ नहीं आएगा, तो चलिए मैं इसे फटाफट मैं यूज़ करके ही दिखाती हूँ। इसे यूज़ करने बहुत आसान है और रिमूव करना भी और भी आसान है, और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है, मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है कि आप इसे रख के ज़्यादा टाइम तक आप इसे अभी बोलना ही बेकार होगा। चलिए मैं इसे यूज़ करके ही बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये ऑलिव का चारकोल मास्क है, इसमें इनरिच विटामिन ई और बी है और ये आपका डीप क्लीन करता है, मतलब ये इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है लिखा हुआ है इसमें, और इसे मैं यूज़ करती हूँ। ये मतलब स्किन में कोई हार्मफुल अभी तक मुझे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा हुआ है, तो चलिए इसे यूज़ करते हैं।
सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने ये चारकोल पील ऑफ पूरे चेहरे पे जैसे मैंने लगा रखा है। और एक बात, ये जो पील ऑफ है, ये चारकोल पील ऑफ मास्क है, ये आप मतलब मेल और फीमेल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि ये ओनली फीमेल यूज़ कर सकते हैं, मतलब टैन तो सबके चेहरे पे ही होता है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही यूज़ कर सकते, ऐसा नहीं है। मैं वैसे जो भी प्रोडक्ट मैं मतलब बेसिकली मैं प्रोडक्ट अगर बॉडी वॉश का, बॉडी स्क्रब हुआ, या फिर फेस से रिलेटेड मैं अगर प्रोडक्ट वीडियोस बनाती हूँ, तो ज़्यादातर वो मतलब लड़के लड़कियाँ दोनों के लिए ही ऐसा होता है कि मैं दोनों के लिए ही ऐसा होता है कि जो दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। और ये फेस मास्क भी ये है, तो ये भी मतलब दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये मैंने जैसे फेस पे लगा लिया है, इसे ज़्यादा नहीं 5 मिनट्स इसे मतलब छोड़ देना है चेहरे पे, जैसे ये मास्क की तरह मतलब ये सूख जाएगा ना, मतलब ड्राई हो जाएगा, तो इसे बस चेहरे पे मतलब जस्ट हटाना होगा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना। उसके बाद आपका चेहरा वैसे ही मतलब स्किन स्मूथ और शाइनी दिखेगा। वेट, मैं इसे ड्राई होने देती हूँ, जस्ट 5 मिनट्स के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पूरा ड्राई हो चुका है, अभी से स्लोली रिमूव करना होगा, तो चलिए इसे रिमूव करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने वो मास्क निकाल लिया है और स्किन मतलब बहुत ही मतलब स्मूथ और मतलब प्लम मतलब बहुत ही मतलब स्मूथ लग रहा है। इसके बाद मुझे मतलब मॉइस्चराइज़र का भी ज़रूरत नहीं है। अगर स्किन आपका मतलब मास्क मतलब निकालने के बाद अगर आपका स्किन थोड़ा खींचा अगर ड्राई जैसा लगता है, तो आप उसके बाद ये एलोवेरा लगा सकते हो। और उसके अलावा अगर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम अगर यूज़ करते हो, वो भी लगा सकते हो। बट मुझे शायद मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरा स्किन वैसे ही मुझे मतलब मेरा स्किन अभी तक तो मतलब मैं टचवुड मुझे मतलब ऐसे ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे अगर इनकेस मुझे मेरा स्किन अगर ड्राई अगर होता तो मैं एलोवेरा यूज़ करती। मतलब मैं आप लोग भी देख सकते हो, मुझे मतलब लगाने का ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा स्किन इन केस ड्राई होता तो मैं इसे यूज़ करती। अगर आप लोग अगर इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हो, अगर आपका स्किन ड्राई हो जाता है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही रह सकते हो। तो चलिए, अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।